Assalamualaikum, this is Fatma from Fatma's Kitchen. Today I'm going to make Lahori Mutton Curry. जिसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई में एक से डेढ़ कप पानी डालें, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालें, डाल के अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर डालें, डाल के मिक्स करें। जैसे ही उबाला आए इसमें 1 केजी मटन मीट डालें। चार से पांच मीडियम साइज के टमाटर चॉप हुए इसमें डालें। हाफ टी स्पून नमक डालें, इन सबको अच्छे से मिक्स करें और 30-35 मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर करके रख दें ताकि आपका मीट अच्छे से टेंडर हो जाए। इसके बाद कवर से हटाएं और हाई फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करें। इसके बाद हाफ कप ऑयल डालें और कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। इसके बाद 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालें, डाल के अच्छे से मिक्स करें। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, ये डाल के मिक्स करें। गरम मसाला डालने के बाद इतना भूनें कि आपका पानी हाफ रह जाए। अब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें, डाल के अच्छे से मिक्स करें। अब 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालें, ये डाल के इतना भूनें कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हाफ कप योगर्ट डालें और 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनें। अब 2-3 ग्रीन चिली चॉप करके इसमें डालें, डाल के मिक्स करें। इसके बाद 4-5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालें, डाल के 1-2 मिनट के लिए मिक्स करें। अब लास्ट में फ्रेश चॉप हुए कोरिएंडर इसमें डालें, 1-2 ग्रीन चिल्ली साबुत डालें इसमें। इनको अच्छे से मिक्स करें कि आपका ऑयल सेपरेट हो जाए। और जी हमारी डिलीशियस सी लाहौरी मटन कढ़ाई रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वाह भाई जबरदस्त।